गाइस, आज मैं आपको एक ऐसा होममेड फेस वॉश बताऊंगी जिसको लगाने से आपकी स्किन में एक अलग चमक आएगी। स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फेस वॉश है ये। घर पर मैंने बनाया है बहुत ही इजी तरीके से। आपको मैं बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। इससे आपकी स्किन के जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब भी रिमूव होंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ गाइस, इससे आपके स्किन में एक अलग निखार आता है। स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और साथ ही साथ आपकी एंटी एजिंग फेस वॉश भी आप इसको कह सकते हैं, तो इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन बाय मी शिप्रा। मैं हूँ शिप्रा। गाइस, आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा बहुत साफ सुथरा चमकता हुआ रहे, निखरा हुआ रहे, स्किन में कोई भी परेशानी ना हो, ना ही पिगमेंटेशन की, ना ही स्किन डल हो, ना ही ब्लैक दिखे स्किन, और स्किन पे एक निखार होना चाहिए। और स्किन जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो आप उनको देखते हैं ना, उनकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ रहती है, तो आप भी वैसे स्किन चाहते हैं। थोड़ा मुश्किल है, मतलब मुश्किल है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी स्किन और अभी आपकी जो एज है तो बहुत फ़र्क होता है, बट आप उस तरह नहीं बट उसके करीब तक जा सकते हैं, उन तरह की स्किन आप पा सकते हैं। चलिए कैसे करना है, और इसका कुछ भी ज़्यादा मेथड नहीं है, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। बस आपको बस एक फेस वॉश मैं बताऊँगी, उस फेस वॉश को आप डेली करिए, चाहे नाइट में करिए, चाहे डे में, दिन में एक बार करना है, तो आप कोई भी टाइम अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। और फेस वॉश बहुत ही नेचुरल चीज़ से मैं बनाई हूँ, तो उसको आप ट्राई करिए, और एक महीने बाद आप मुझे खुद बताइएगा कि आपकी स्किन पे क्या निखार है। अभी आप देख सकते हैं जब मैं बात करती हूँ या कुछ, तो चेहरे पे थोड़ा शाइन लगता है ना, ऐसा शाइन आपके लिए भी है, तो आप भी इसको पा सकते हैं। और बहुत ही स्किन वाइटनिंग, स्किन साफ़ सुथरी निखरी, कोई भी ब्लेमिशेस नहीं, कोई भी पिगमेंटेशन, कुछ भी नहीं, आपकी स्किन एकदम साफ़ सुथरी रहेगी। चलिए, जल्दी से देर हो रही है तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे किसको बनाना है और कैसे इसको लगाना है। मैं दोनों ही प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगी। चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, मेरी वीडियो पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चेक कर लीजिए नीचे सब्सक्राइब बटन, अगर आपका रेड है तो प्लीज़ उसको टच करके ग्रे कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको नेचुरल रेमेडीज़ का पता चलेगा। गाइस, सबसे पहले आपको बादाम चाहिए। बादाम आपको 10 से 15 बादाम आपको लेना है, इसको पीस लेना है मिक्सी में डालकर, और इसका पाउडर बना लेना है, एकदम महीन पाउडर बनाना है। और गाइस, ये बादाम जो होता है वो आपकी स्किन के लिए नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है, तो सबसे पहले आपको बादाम पीस कर रख लेना है पाउडर बनाकर। एक कटोरी में आप आधा चम्मच बादाम का पाउडर डालेंगे, और इसमें आप एक चम्मच दही डालेंगे, दही नॉर्मल दही भी आप ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करके आप चाहे तो दो तीन दिन का फेस वॉश एक दिन बना के रख सकते हैं, नहीं तो आप डेली भी थोड़ा सा बादाम का पाउडर और थोड़ी दही मिक्स करके आप नॉर्मल फेस वॉश कर लीजिए। गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप ये फेस वॉश लगाएंगे तो बहुत तेज़ हाथ से मसाज नहीं करना है, धीरे धीरे हाथ से ही करना है, क्योंकि इसमें बादाम है तो उसका ग्रैनुल्स होता है, वो स्किन पर चुभे ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और गाइस, दही में लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है, और बादाम का पाउडर भी स्किन वाइटनिंग और स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है। ये जो मैंने बनाया था दही और बादाम के पाउडर से, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने फेस पे सुबह जब फेस वॉश करेंगे तो इसको आप थोड़ा सा अपने हाथ में ले लीजिए। बना करके भी आप दो से तीन दिन रख सकते हैं, क्योंकि डेली डेली क्या बनाएंगे, आप दो तीन दिन के लिए बना के रख लीजिए, क्योंकि बादाम पीस कर रख लीजिए आप, और दही तो मिल ही जाती है। बस थोड़ा सा लीजिए और इसको अपने फेस पे अच्छे से लगाकर जैसे नॉर्मल आप फेस वॉश करते हैं वैसे ही आपको करना है, क्योंकि दही तो फ्रिज में रहती है, और उसके बाद बादाम आप पीस करके पाउडर बना के आपने रख लिया, फ्रिज में ही रख लीजिए एक डिब्बे में, उसके बाद थोड़ा सा निकालिए और दही मिक्स करिए और अच्छे से, और नोज़ के पास अगर आपको लगता है कि ब्लैक हेड्स हो गए हैं तो उससे, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है तो आपकी स्किन पे ये ब्राइटनिंग और इस सारी इफेक्ट लेकर आता है। बहुत ही अच्छा ये फेस वॉश है, हल्का सा नॉर्मल मसाज करके, अगर आपके पास टाइम है तो आप 10 मिनट ऐसे लगा रहने दीजिए, क्योंकि 10-15 मिनट आप कोई भी नेचुरल चीज़, एक चीज़ सुन लीजिए, अगर आप कोई भी नेचुरल चीज़ लगाते हैं तो आप अपनी स्किन पे इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए 10 से 15 मिनट के लिए कोई भी चीज़, तभी उसकी जितनी गुणवत्ता होती है ना वो सारी आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है, तभी तो आपको निखार ला कर देती है। तो आप इसको लगा दीजिए और अपना कोई काम करना करिए, फिर 10-15 मिनट जैसे हो फिर पानी डाल के वॉश कर लीजिए, वॉश करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, दही आपकी स्किन के वाइटनिंग तो करती है, साथ ही जितने भी दाग धब्बे होते हैं, ब्लैमिसेस होते हैं,
कोई भी दिक्कत होती है स्किन की सारी दूर करती है। और साथ में बादाम का पाउडर वो नेचुरल आपको मॉइस्चराइजर का काम करता है, बढ़ती एज में जो महीन रिंकल्स होते हो जाती है और फाइन लाइंस वगैरह हो जाती है उस सबको भी रिमूव करती है, और वाइटनिंग के लिए भी बादाम बहुत अच्छा इफेक्ट आपको लेकर आता है। तो ये नॉर्मल चीज़ आप बना कर रखिए और इसे फेस वॉश करिए डेली। अगर नाइट में आपके पास टाइम है तो आप नाइट में कर सकते हैं, अगर डे में है तो डे में कर सकते हैं। बट इसको एक चीज़ का है, अगर आपको टाइम नहीं है तो फटाफट आपने लगाया और वॉश कर लिया तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम आएगा, बट इसको कम से कम मिनिमम 10 मिनट्स आपको अपने फेस पे लगाकर छोड़ना है। और जब 10 मिनट हो जाए तो मैं आपको धुलकर दिखाती हूँ। आप ये देखिए मैं फेस वॉश करके आ गई, 10 मिनट हो गया था, चेहरे पे तुरंत निखार आता है और स्किन ज़्यादा खिंची खिंची भी नहीं रहती, कुछ भी खिंची खिंची नहीं। अगर आपकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और चेहरे पे आप देख सकते हैं कोई भी आप फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद चेहरा कितना ज़्यादा ड्राई और खिंचा खिंचा लगता है, बट इसको लगाने ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक दो दिन नहीं कि आपने एक दो दिन किया फिर आपने का कोई रिजल्ट नहीं, आप कम से कम महीने भर आप इसको यूज़ करना है। या तो ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा है, दही के साथ अगर आप बादाम मिला देते हैं तो आपके डबल इफेक्ट आता है आपके चेहरे पे, स्किन वाइटनिंग के साथ साथ आपकी स्किन जो एजिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है उनसे भी आपको छुटकारा देता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि मार्केट के फेस वॉश में आपको पता नहीं क्या क्या मिला रहता है और स्किन वाइटनिंग के नाम पे कई चीज़ ऐसी दे देते हैं जो आपकी स्किन पे काफ़ी हानिकारक होता है। तो ऐसा है कि आप अपने घर पे ही बादाम के पाउडर से और दही से नेचुरल फेस वॉश बनाइए और ये रिजल्ट है आप सामने आप देख सकते हैं कि चेहरे पर पहले से ज़्यादा अब ग्लो आ गया है। और आप नॉर्मल इससे फेस वॉश करिए, इसको 10 मिनट लगा कर छोड़िए जैसे मैं अभी आपको बताई थी, वैसे आप इसको यूज़ करिए। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही, तो इस टाइप की मैं और भी वीडियोस जो एकदम 100% नेचुरल वो मैं वीडियो लेकर जरूर आऊँगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।